सभी साथियों को जय भीम, जय बिरसा, जय फूले, जय अम्बेडकर। साथियों, आज एक बार फिर से हम फेसबुक लाइव के माध्यम से अपनी बात आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं। आप सब जानते हैं कि कल 5 मार्च है और भारत बंद का आह्वान जॉइंट फोरम फॉर सोशल एकेडमिक एंड सोशल जस्टिस की तरफ से पूरे भारत को बंद करने का एक आह्वान किया गया है। मेरा तमाम उन राजनीतिक संगठनों के दलों से, सामाजिक संगठनों से, व्यक्तियों से, जागरूक लोगों से, चाहे वह कोई भी हो, लेफ्ट हो, राइट हो, मीडियम हो, कोई भी हो, उन तमाम लोगों से मेरा अनुरोध है जो चाहते हैं कि भारत की 85% संख्या जो SC ST OBC कही जाती है, जिनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जो लगातार गुमराह किए जाते हैं, 5 मार्च काला दिवस हमारे लिए है। एक तरह से हम इसको काला दिवस के रूप में मना रहे हैं, पूर्ण भारत बंद। देखिए, हमें मजबूर होना पड़ा है इसके लिए क्योंकि सरकार ने हमें धोखा दिया है। सरकार ने लगातार प्रकाश जावड़ेकर जी, हमारे जो माननीय जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हमने 5 तारीख को, जब ये 5 मार्च को आया था लेटर UGC से होता हुआ यूनिवर्सिटीज़ को, हम लोग जब जॉइंट कमेटी के बैनर तले हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगातार रिले हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे, तब हमारे इस हंगर स्ट्राइक को एक तरह से हम लोगों ने इसलिए स्थगित कर दिया था क्योंकि सरकार ने आश्वासन दिया था, उनके प्रतिनिधियों ने भी आश्वासन दिया था कि हम लोग सरकार कोर्ट में SLP दायर कर रही है। हम सब जानते हैं वो सरकार अपने, मतलब सरकार की तरफ से जो वकील ने फाइट की कोर्ट में, वो बहुत लचर था, उसके पास कोई ऐसा कोई ठोस एविडेंस नहीं था। सरकार के वकील को कमज़ोर था, मैं माफ़ी मांगते हुए ये कहना चाहती हूँ कि कमज़ोर था, और सरकार उस केस को हारी। दोबारा फिर हम लोग सड़कों पर उतरे जॉइंट फोरम फॉर सोशल जस्टिस एकेडमिक एंड सोशल जस्टिस के बैनर तले, और हमने लगातार धरने प्रदर्शन किए, कैंडल मार्च किया, प्रोटेस्ट किया, ह्यूमन चेन किया, सब कुछ करने के बावजूद भी सरकार को ये नहीं लगा कि 85% जो जनसंख्या है जो सीधे रूप से प्रभावित है, विभागवार रोस्टर के माध्यम से सब, मतलब सब जानते हैं कि एक तरह से पीछे के दरवाजे से आरक्षण को बंद करने का तरीका है, जो आरक्षण शब्द ना लेकर विभागवार नाम दिया जा रहा है। अब दोबारा फिर से सरकार ने यह कहा कि जब सरकार दूसरी बार जो रिव्यू पिटीशन डाली उसको फिर हारी, और फिर कहा कि हम लोग जब तक सरकार का, बीच में इसी दौरान प्रकाश जावड़ेकर जी का लिखित रिकॉर्डेड बयान था कि जब वो हम लोग जब सड़कों पर उतरे और मंडी हाउस से पार्लियामेंट तक जो जबरदस्त सामाजिक संगठनों के माध्यम से और हर तरह से जो विरोध हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम लोग रिव्यू पिटीशन दायर करते हैं, अगर रिव्यू पिटीशन दायर हमारी तब भी हम हार जाते हैं तो हम लोग फिर अध्यादेश लेके आएंगे। अब सरकार ये वायदा पूरा करे, लेकिन बावजूद इसकी महत्वपूर्ण बात यह है साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस दौरान प्रकाश जावड़ेकर जी के आश्वासन के बावजूद भी धड़ल्ले से वैकेंसीज निकाली जा रही हैं। तमाम देश के जो यूनिवर्सिटी हैं उनको जैसे होड़ सी लगी हुई है कि 13 पॉइंट रोस्टर के माध्यम से, विभागवार रोस्टर के माध्यम से लगातार एक तरह से ये वैकेंसीज भरी जाएं। हम सब जानते हैं कि 65 एज तक वैकेंसीज अगर भरी जाती है कोई भी पोस्ट, तो वो दोबारा इतनी जल्दी नहीं खाली होने वाली, ये वो भी जानते हैं, इसलिए धड़ल्ले से किया जा रहा है। आपको हैरानी होगी जानकर, मोतीलाल नेहरू कॉलेज जो मेरा अपना ही कॉलेज है, वहाँ पर नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज निकली, पूरी टोटल तमाम जितनी भी पोस्ट हैं उनमें से सिर्फ एक पोस्ट SC के लिए है। अभी कल परसों हम लोगों ने ऐड देखा भारती कॉलेज का, उसने कॉलम ही हटा दिया SC वाला। आप ये देखिए कि कैसी मानसिकता काम कर रही है। अगर हम नहीं चेते तो मुझे नहीं लगता कि आने वाली नस्लें हमें माफ़ कर पाएंगी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सामाजिक न्याय के सवाल पर और सामाजिक न्याय के सवाल को सुनिश्चित किया था संविधान के तहत, ये सीधे रूप से संविधान का उल्लंघन है। और मेरा ये मानना है कि अगर हम लोग आज नहीं चेते तो आने वाली नस्लें जो दिहाड़ी मजदूरी कर जो पढ़ पढ़ कर जो यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचने का रास्ता जो एक तरह से तय करती हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाई में नेट करके, JRF करके, PhD करके, उनके लिए रास्ते तमाम बंद हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये, मैं माफ़ी मांगते हुए तमाम संगठनों से एक बात, अपना मेरा एक मत है, आप उससे सहमत असहमत हो सकते हैं। हमें याद है कि हमने पिछली बार जो मंडी हाउस से पार्लियामेंट तक जो एक जबरदस्त सामाजिक संगठनों का एक तरह से जबरदस्त जो
हमने प्रोटेस्ट किया था उसका एक बहुत बड़ा मैसेज सरकार की तरफ से गया, लेकिन कहीं ना कहीं एक मैसेज ये भी गया कि राजनीतिक संगठनों का गठजोड़ है। साथियों, हमें इस फोरम के माध्यम से कम इस बात से बचने पड़ेगी बचने की ज़रूरत है कि हम जॉइंट फोरम फॉर एकेडमिक एंड सोशल जस्टिस के बैनर तले हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें राजनीतिक संगठनों की भागीदारी एक तरह से जॉइंट फोरम फॉर एकेडमिक सोशल जस्टिस में नहीं है, बल्कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अगर वो सहमति देते हैं तो वो इसमें आए। लेकिन पिछले अनुभव को देखते हुए मैंने कहा कि मैं आप इससे असहमत सहमत हो सकते हैं। अगर हम इस जॉइंट फोरम फॉर एकेडमिक सोशल जस्टिस के बैनर को अगर हम राजनीतिक अखाड़ा बना दें या फिर राजनीतिक लोगों का एक गठजोड़ बना दें तो सरकार के पास ये मैसेज चला जाता है कि ये सामाजिक दबाव का गठजोड़ सामाजिक दबाव संगठन नहीं है, सोशल प्रेशर ग्रुप के रूप में काम नहीं कर रहा, बल्कि एक तीसरे मोर्चा एक तरह से या फिर जो सरकार के खिलाफ जो राजनीतिक दल हैं उनका है। तो कहीं ना कहीं हमारी लड़ाई कमजोर करने की कवायद है। हम उनको उनका समर्थन लें, नो डाउट कि उनका समर्थन लिया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरा अपना मानना यह है कि जब जब बदलाव होता है या ऐसे पॉलिसीज मेकिंग के जब बदलाव होते हैं उस सामाजिक ग्रुप के माध्यम से ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, ना कि राजनीतिक लोगों का गठजोड़। अगर आप इसको हम अगर इसको एक बार फिर से अगर हम इसको सिर्फ राजनीतिक दलों का एक तरह से गठजोड़ बनाएंगे, विपक्षी पार्टियों का गठजोड़ बनाएंगे, तो मुझे लगता है सरकार के ऊपर उस तरीके से प्रेशर नहीं पड़ेगा जो पड़ा जो जो एक सोशल प्रेशर ग्रुप के रूप में पड़ता है। मेरा अपना मानना है, आप इससे सहमत असहमत हो सकते हैं, हम राजनीतिक मंच का इस्तेमाल इसको ना होने दें, इसको सामाजिक संगठन के माध्यम से तमाम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज़ महिलाएं वो सो कॉल्ड जो जो लेखक हैं जो लगातार सामाजिक न्याय के सवाल पर बात करते हैं वो तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हों, मंडी हाउस पार्लियामेंट तक इसमें भारत बंद में समर्थन करें ताकि सरकार अध्यादेश तुरंत लेकर आए। सरकार आश्वासन तो दे रही है कि हम अध्यादेश लेकर आएंगे, लेकिन सरकार अभी तक भी अध्यादेश लेकर नहीं आ रही। ये हमारी कमजोरी है एक तरह से, क्योंकि हम सरकार को ये नहीं जता पाए अभी तक सोशल प्रेशर ग्रुप के माध्यम से कि अगर वो अगर सरकार के खिलाफ सामाजिक संगठनों के लोग या तमाम पब्लिक अगर खड़ी होती है तो आने वाले 2019 के चुनाव को प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन उनके पास जो मैसेज जाता है वो ये जाता है कि ये जो जो तमाम जो राजनीतिक दल हैं ये लोग अपनी रैलियां कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, इससे हमारी सामाजिक लड़ाई कमज़ोर होती है। और मेरा जॉइंट फोरम फॉर एकेडमिक सोशल जस्टिस के संगठन से भी ये अनुरोध है पुरजोर तरीके से कि इससे बचा जाना चाहिए, हम ये मैसेज पहुँचाएँ, भारत बंद सोशल जस्टिस के सवाल पर लड़ा गया है, विभागवार रोस्टर जो तमाम जो आने वाली जो नस्लें हैं जो आरक्षण से वंचित हो जाएंगी उसके लिए लड़ा जा रहा है। ये सामाजिक प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन है, ना कि राजनीतिक लोगों का संगठन। ये हमें हम अगर इसको पिछली बार की तरह अगर हमने फिर यही मैसेज दिया कि ये राजनीतिक लोगों का गठजोड़ है तो हमारे लिए हमारी लड़ाई मुश्किल होगी। मुझे लगता है कि हम लोग इसको हर छोटे से छोटे सेक्टर तक लेकर आएँ, हम लोग छोटे छोटे संगठनों के माध्यम से बड़े संगठनों के माध्यम से तमाम जितने भी सोशल सेक्टर्स हैं जो काम करते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए गए संविधान में और दिए गए प्रतिनिधित्व के सवाल पर इकट्ठा होकर जो लड़ते हैं, वो तमाम लोगों से मेरी पुरजोर तरीके से अनुरोध है कि कल 5 मार्च काला दिवस पूर्ण रूप से भारत बंद, आइए भारत के संविधान की रक्षा करें, भारत में दिए गए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिए गए भारत के संविधान के सामाजिक प्रतिनिधित्व को, आरक्षण नहीं सामाजिक प्रतिनिधित्व, उस प्रतिनिधित्व की हिस्सेदारी सुनिश्चित हो और हम सरकार को ये बाध्य करें कि वो तुरंत अध्यादेश लेकर आए, अन्यथा सामाजिक लोग जब सड़कों पर उतरते हैं तो सत्ता किसी की नहीं रही, जब जब समाज के लोग सड़कों पर उतरते हैं तो वो सत्ता पलट जाती है। ये मुझे लगता है सरकार को बहुत अच्छी तरह समझ जाना चाहिए। अगर हम इसको चेताने में सफल रहे तो मुझे लगता है कि सरकार इस पर अध्यादेश जरूर लेके आएगी। मेरा तमाम राजनीतिक संगठनों से पुरजोर तरीके से अनुरोध है कि 13-पॉइंट रोस्टर विभागवार रोस्टर के माध्यम से जो ये एक तरह से आरक्षण को ख़त्म करने का खेल खेला जाता है उसके लिए बाकायदा उसको अनुसूची में डाला जाए, संविधान के साथ बार बार इस तरीके से कभी विभागवार रोस्टर बनाकर कभी बैकलॉग ना पूरा करके जिस तरीके से आरक्षण का खिलवाड़ किया जाता है वो बंद हो,
तमाम राजनीतिक संगठन इसके ऊपर सहमति दर्ज करें और वो भागीदार करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सरकार को ये सरकार को ये बताएं कि हम लोग राजनीतिक लोगों के साथ खड़े हैं। अपनी अपनी राजनीति आप बाद में करते रहिए, लेकिन ये जो एक मुद्दा है हमारे सामने 13 पॉइंट रोस्टर का विरोध, विभागवार रोस्टर का विरोध, उसमें एकजुट हों। जब तक हम लोग सामाजिक लोग इस मुद्दे पर आकर एकजुटता नहीं दिखाएंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग बाबा साहब के पे बैक टू सोसाइटी का जो एक नारा था वो नहीं कर पाएंगे। एक बार फिर से तमाम सब संगठनों को मैं आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। पिछली बार की तरह जितना पुरजोर तरीके से सामाजिक संगठनों ने, सामाजिक दलों, सामाजिक प्रतिनिधित्व लोगों ने जो जोरदार तरीके से मंडी हाउस टू पार्लियामेंट तक एकजुटता दिखाई थी, एक बार फिर कल, क्योंकि पूरा एक साल काला दिवस होने जा रहा है, इसके ऊपर एक बार फिर एकजुट हों। कल 11 बजे मंडी हाउस पर एकत्रित हों। और पूरे भारत की जनता, मेरी पूरी भारत की जनता से अपील है कि 85% आबादी का जो हनन, जो अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उसके विरोध में आप सब इकट्ठे हों। ये लड़ाई ना सिर्फ SC ST OBC की है, बल्कि ये हम सब की लड़ाई, साझा लड़ाई है। इस साझा लड़ाई में हम सब का एकजुटता बहुत ज़रूरी है। डूटा इसके साथ है, जनूटा इसके साथ है, तमाम देश के जो एसोसिएशन है, यूनिवर्सिटीज़ में बैठे हुए, मेरा छात्र आंदोलनों से भी अनुरोध है कि वो कल मंडी हाउस से पार्लियामेंट तक पूर्ण बंद एक तरह से कराएं, और वो पूर्ण बंद जो होगा वो शांतिपूर्ण तरीके से होगा, किसी भी तरह के दंगे फसाद से होगा। शांतिपूर्ण तरीके से हम सरकार के सामने अपनी मांग रखेंगे। सरकार जब बार बार ये बात करती है कि हम सबका साथ सबका विकास, अगर सबका साथ सबका विकास है तो आप 13 पॉइंट रोस्टर के ऊपर, विभागवार रोस्टर के ऊपर क्यों नहीं विरोध करते? आपने अभी तक जितनी भी एडवर्टीजमेंट हुई, आपने क्यों नहीं लेटर कोई जारी किया यूनिवर्सिटीज़ को? क्यों नहीं आपने अभी तक रोक लगवाई? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? उसका इंतजार कर रहे हैं कि 2019 का चुनाव हो जाए, या फिर इस बात का कि सारी यूनिवर्सिटीज 13 पॉइंट रोस्टर के आधार पर अपनी पोस्टें भरें? एक बार फिर से मैं डॉक्टर कौशल पनवार आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल मंडी हाउस से मैं पहुँचे, जंतर मंत्र पर पहुँचे, और ये जो जो एक तरह से जो भारत बंद का आह्वान है वो ये है कि ये जॉइंट फोरम फॉर सोशल जस्टिस एंड एकेडमिक टू सेव रिजर्वेशन के बैनर तले हैं। ये सामाजिक संगठन है, सोशल प्रेशर ग्रुप के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। किसी भी तरह की इसमें मुगालता ना रहे। हम लोग कोर्ट की अवमानना बिल्कुल नहीं कर रहे। हम लोग कोर्ट की अवमानना के बजाय हम उस डिसीजन का विरोध कर रहे हैं जो 85% जनता को, जो एक तरह से 85% जनता के जो अधिकारों का हनन कर रहा है, इसको बिल्कुल भी कोर्ट का मानना नहीं माना जाए। हम कोर्ट का उतना ही सम्मान करते हैं, न्यायपालिका के, हमारे न्यायपालिका के ऊपर भी हमारा उतना ही भरोसा था, लेकिन न्यायपालिका ने जो पिछले दिनों से जो डिसीजन दिए हैं वो तमाम SC ST OBC के लिए, आदिवासियों को बेदखल करना उनकी जल जंगल जमीन से, SC ST एट्रोसिटी एक्ट का बिना किसी खास रिपोर्ट के डिसीजन देना, या फिर जिस तरीके से 13 पॉइंट रोस्टर के माध्यम से बिना खास रिपोर्ट के, कोई आयोग आपके पास नहीं बैठा, आपके पास किसी भी तरह की कोई रिपोर्ट नहीं थी, कोई डोजियर आपको नहीं सरकार को भेजा गया जिसके माध्यम से आपने विभागवार रोस्टर की बात की। आप, मैं एक बार फिर ये कहना चाह रही हूँ कि ये सामाजिक संगठन है, इसमें सभी लोगों का स्वागत है। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। ये भारत हम सबका है, हम सबकी हिस्सेदारी है। राष्ट्र निर्माण में हमारी उतनी ही भूमिका रही है जितनी किसी की भी रही होगी, इसलिए हम लोग भी उतने ही राष्ट्रवादी हैं। ये भारत हमारा है, हम किसी भी तरह के किसी भी हिंसा में विश्वास नहीं करते। हमारा न्यायपालिका में भी उतना ही भरोसा है, लेकिन न्यायपालिका अगर इस तरीके के डिसीजन देती है तो भारत की जनता, खासकर 85% लोग SC ST OBC, उन गलत निर्णयों का विरोध करने के लिए भी किसी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए ये लंबी लड़ाई है, जब तक सरकार अध्यादेश नहीं लेती, कल के भारत बंद के बाद भी अगर सरकार नहीं चेती तो मुझे लगता है हमें और भी ज़्यादा हंगर स्ट्राइक तक पहुंचना पड़ सकता है, मास हंगर स्ट्राइक तक हमें जाना पड़ सकता है। तो इसलिए मेरा तमाम सामाजिक संगठनों से, सरकार से भी अनुरोध है कि सोशल प्रेशर ग्रुप को देखते हुए या एक सामाजिक न्याय के सवाल को देखते हुए, सबका साथ सबका विकास को देखते हुए, आप तुरंत अध्यादेश लेकर आए। जय भीम, जय भारत।